Hey everyone and welcome to this YouTube video on how to become a shark of a shark tank. मतलब कैसे आप घर बैठे बैठे shark बन सकते हो और startups में invest कर सकते हो. Startup में invest करने की platforms बताने से पहले मैं आपको कुछ points बता दूँ जो startup में invest करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ये रिवॉर्डिंग तो होता है बट इसमें रिस्क भी काफी होता है. पहले स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के बेसिक्स जान लेते हैं. सबसे पहले आपको इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है. पिछले एक दशक में भारत दुनिया की सबसे हॉट स्टार्टअप हब में से एक है. 2021 में देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर थे और अब यही नंबर्स 84,000 हो गए हैं. व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इन इंडिया तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो इंडिया में स्टार्टअप अभी बहुत अर्ली स्टेज में होते हैं. इसका मतलब वो अभी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना शुरू कर रहे होते हैं. दूसरा, इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है इसलिए ये इन्वेस्टिंग थोड़ी अनसर्टेन और वॉलेटाइल होती है, तो ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है. अब बेसिक्स तो समझ आ गए, तो अब जानते हैं कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना क्या चाहिए. When it comes to investing in startup, there are some few things you should always look for. सबसे पहले आप ऐसे स्टार्टअप को ढूंढिए जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम हो. इसका मतलब उसके कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप फाउंडर्स की डिटेल्स उनके लिंक्डइन प्रोफाइल में भी जाके चेक कर सकते हैं. सेकेंडली, आपको एक ऐसे स्टार्टअप को ढूंढना चाहिए जिसके पास एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन हो. इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप कुछ ऐसे दे रहा हो जो मार्केट में अवेलेबल ना हो. थर्डली, आपको एक ऐसा स्टार्टअप ढूंढना चाहिए जिसमें एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो. दिस मीन्स द स्टार्टअप हैज द पोटेंशियल टू ग्रो क्विकली एंड बिकम प्रॉफिटेबल. अब जानते हैं कि शार्क बनना कैसे, मतलब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कैसे करना है. सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप देयर आर सेवरल वेज यू कैन गो अबाउट इट. सो पहला है टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन अ स्टार्टअप, जिसका मतलब है कि स्टार्टअप को पैसे दोगे और उसके बदले में उनसे इक्विटी लोगे. इसमें आप तीन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो. पहला है नेटवर्किंग इवेंट्स, दूसरा है स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड द थर्ड वन इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टाइक एंड ग्रेप इन्वेस्ट. इसमें आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो. अब अगर हम टाइक प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है इन्वेस्ट करने के लिए. आप सिर्फ 5,000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. अब हर स्टार्टअप का एक पिच डेक होता है एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपको उस पिच डेक को रीड करना काफी जरूरी है ताकि आप उस स्टार्टअप को डिटेल में समझ पाए. और अगर आप HNI यानी मालदार पार्टी है तो एंजल इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. इंडिया में बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स हैं, जैसे इंडिया एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स, हैदराबाद एंजल्स, ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं. तो आप इनकी वेबसाइट में जाके स्टार्टअप्स देख सकते हैं. अब एक और चीज होती है SME IPO. SME का सिंपल मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अब कोई भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए उनके लिए काफी सारे एंट्री बैरियर्स होते हैं. तो किसी भी स्टार्टअप या छोटी कंपनी के लिए इतने सारे एंट्री रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है. तो जब ऐसे छोटी कंपनीज को पब्लिक से पैसे रेस करने होते हैं तो वो SME प्लेटफॉर्म का यूज करती है. इसमें एंट्री लिमिटेशंस भी काफी कम होते हैं. तो SME IPO की हम बहुत जल्दी डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अब आप भी शार्क बन सकते हैं. बाय द वे, आपका फेवरेट शार्क कौन है शार्क टैंक पे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.